नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संगीता जी का, दीपाली जी का और जीत जी का, हिंदी भाषा साहित्य जी का, मोहम्मद सलीम जी का, कंचन लता जी का, स्नेहा जी का, सीमा जी, शोभा जी और ममता जी, यश जी, पंकज सिंह जी, श्रीम जी, प्रांजल जी, दीप कौर जी, आप सभी का, पूनम सिंह जी, विराट जी, सुनीता जी, पुपरी कलाम जी, रिद्धिका जी, प्रतीक सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपके नाम थोड़ा सा लेट ले पाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप तो बहुत हमेशा ही कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। मैं आज आपका 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का लेना चाहूँगी। जीत जी ने मुझे ये मैसेज किया है कि मैम, अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाने का शौक़ है तो आप स्टूडेंट की, और अगर आप स्टूडेंट्स की वाकई में सहायता करना चाहती हैं तो कृपया जब आप वीडियो बनाएं तो शांत माहौल में वीडियो बनाया करें। मैंने लगभग आपकी सारी वीडियोज़ देखी हैं, आपका कार्य सराहनीय है, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, पीछे बैकग्राउंड में बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। आशा है मेरी बात को अवश्य संज्ञान में लेंगे और इसका जल्द निवारण करेंगे। तो जीत जी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फीडबैक आपके मुझे पूरा सुधरने का अवसर देते हैं। जो भी कमी होती है मैं उसको पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे इस चीज़ के लिए अभी बिल्कुल क्षमा चाहूँगी। दरअसल मैं इस चीज़ से खुद ही परेशान हूँ। मैं जिस जगह पे रह रही हूँ वो एकदम चौराहा है और यहाँ से लोडिंग के ट्रक्स भी गुजरते हैं, तो 24 आवर्स में अगर मैं चाहूँ कि मैं आपके लिए रात में 12-1 बजे भी कोशिश करूँ तो मैंने वो भी की है। यहाँ पर कभी भी शांति नहीं मिलती है। बहुत उम्मीद है, मैं आशा कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का यहाँ से जल्द ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1-2 महीने में, तो मैं बिल्कुल अपने क्षेत्र में पहुँच जाऊँगी और वहाँ मैं आपकी इस जो कमी है मैं उसका पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको दूर कर दूँ। अभी मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, है ना। मैं हाथ जोड़कर आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा अगर आप इतना मेरा कोऑपरेट कर लें तो हो सकता है 1-2 महीने बाद आपको इस चीज़ की समस्या ना हो। अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो ये समस्या कब की हल हो गई होती। देखिए, मुझे भी बहुत समस्या है, यहाँ से घर चेंज करना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और मैं 24 आवर्स किसी भी टाइम पे वीडियो बनाऊँगी तो ये समस्या रहती है। मैं खुद कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इतनी वॉल्यूम के साथ वीडियो बनाना, मतलब बिल्कुल मैं अपने मन से नहीं बनाती, मजबूरी ही है अभी, ठीक है। ईश्वर ने अगर साथ दिया तो बहुत जल्दी आपकी समस्या दूर होगी। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगता है। जीत जी, थैंक यू। चलिए, अब आप आज 3 मिनट निकल गए हैं, चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। नवीन बाबू ने इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गर्शद अतासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए, है ना। उन्होंने अपने प्रवचन में उन्हें बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्ष मंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। यदि आपने हिंदी का पक्ष ले लिया तो आप कट्टर हिंदू हैं, लेकिन वो फ्रांस से बैठ, जो हमारे देश, हमारी सभ्यता, हमारे यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, वो अगर किसी चीज़ का पक्ष लें तो वहाँ कट्टरता नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। चलिए, कोई नहीं। अब ये फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसने मूल पर ही अपने कोठार चलाना चाहा, मतलब उसने जड़ ही ख़त्म कर देनी चाहिए। बीम्स साहब का हवाला देते हुए ये कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। शब्द सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इन्होंने कहा हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया और बचे खुचे शब्द रह गए थे, उसकी व्युत्पत्तिता भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जब यहाँ हिंदी के नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से
विरोध में कुछ ना कुछ इसी तरह की बातें कहा करते थे। सर सैयद अहमद खां का अंग्रेजी अधिकारियों पर इतना प्रभाव था, ये पहले ही बताया जा चुका है, कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैबेल साहब ने अपनी ये राय जाहिर की। देखते हैं क्या राय जाहिर की। ये अधिक अच्छा होता कि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई ना ये अधिक अच्छा होता कि यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती ना, कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का, एक सेकंड में इस सेंटेंस को फिर से पढ़ रही हूँ, ये अधिक अच्छा होता कि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती ना कि ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सर झुकाना पड़ेगा। इस राय को गरसा दत्तासी ने बड़ी खुशी से अपने प्रवचन में शामिल किया। इस प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में जब ये विवाद हुआ कि देसी जवान हिंदू को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने से ये फल हुआ है कि अधिकांश जनता, विशेषतः गाँव की जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है। इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से किसी न किसी ने यह कहा कि केवल अक्षर नागरी के रहें, और कुछ लोगों ने यह कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। पर इस पर भी गरसा दत्तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। एक बात बोलूं, उस समय के लोगों को, आज हम कहते हैं हम प्रगति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए, हम उस समय की जनता को, अधिकांश जनता को अशिक्षित कहते थे। कुछ ही एक लोग थे जो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, और उसमें से कुछ ही एक थे जो बहुत आगे जाते थे। लेकिन आप ये देखिए कि एक भाषा जिसके विरोध में सभी थे, समझ रहे हैं, और उसका भी पक्ष लेने वाले थे, तभी आज हिंदी अपने स्वरूप को विकसित कर पाई। परंतु यदि आज के समय पे कहा जाए हमसे और आपसे, इसी भाषा से हमें पोस्ट चाहिए, हमें पद चाहिए, लेकिन हम शायद अपनी भाषा के लिए ईमानदार नहीं हैं। यदि चौराहे पर भी खड़े होकर बात होगी तो हम विशेष जगह की तो बात ही नहीं है, हिम्मत नहीं है, चौराहे पे भी खड़े होकर बात होगी तो हम अपनी देश और अपने भाषा का साथ नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने सुना अपने देश के बारे में भी बोल देते हैं, अरे यहाँ पर क्या है। तो हम पता नहीं सिर्फ अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किताबी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये शिक्षित होना पता नहीं है या नहीं। आज उस समय पे हिंदी ने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा था, और आज अपने अस्तित्व के लिए फिर से उसको संघर्षरत होना पड़ रहा है। अभी हिंदी का रिजल्ट निकला है, कितने 8 लाख बच्चे फेल हो गए हिंदी में। हमारे लिए वाकई में बहुत शर्म की बात है। किसकी गलती कही जाए, सिस्टम की गलती कही जाए, हमारी आपकी कही जाए, शिक्षकों की कही जाए, बच्चों की कही जाए, अध्यापकों की कही जाए, जो कुछ मिला कुछ भी कहें, लेकिन बहुत कुछ गलत है। हम कह रहे हैं कि ठीक है, हम जिस चीज़ से अर्जित करना चाहते हैं धन, थोड़ा सा उसको प्यार भी करना सीख लें, है ना। हमारे तो संस्कार ये रहे हैं कि जब लक्ष्मण ने रावण से ज्ञान प्राप्त करना था तो उसके भी पैर छूने हुए थे, और जो हमारी भाषा है जिसको हम सब कुछ मानते हैं, और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो तो उसको, मतलब अपनी कहीं ना कहीं बुराई नहीं है इसमें, जीविकोपार्जन का साधन भी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ खड़ी है तो उतनी ईमानदारी से आप उसके साथ खड़े हों। आज हिंदी बहुत खराब दशा से गुजर रही है, भारत जैसे देश के लिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बुरा लगता है चीज़ों को देख के, सुन के। सुविधाएं हमेशा से इंसान को प्यारी रही हैं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, तो लिखने में, टाइप करने में आराम रहता है ना हिंदी।
हिंदी में समस्या हो जाती है ना, तो हम कोई बात नहीं, हम अपनी माँ को माँ नहीं कहेंगे, हमें अपनी सुविधा से मतलब है, हमें अपनी इच्छाओं से मतलब है, हमें अपने से मतलब है, बस हम क्यों खड़े हों किसी के लिए। वो अगर आज हिंदी नहीं होती तो आज हम उर्दू में PhD करते, नेट करते, कोई बात नहीं थी, है ना। चलिए, उसी काल में इंडियन डेली न्यूज़ के एक लेख में हिंदी प्रचलित करने किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका जवाब भी देने तासी साहब खड़े हुए। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा, तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था, जिसके अक्षर दिखने में सुडौल नहीं लगते। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा था, तासी ने कहा था, ध्यान रखिएगा, गरसा तो तासी ने कहा था। हिंदी के आंदोलनों के साथ ही ईसाई मत के प्रचार को रोकने के मत मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नव शिक्षित लोगों को खींचते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद को लेकर खड़े हुए और संबत 1920 से उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। हमारे जितने भी वेद थे, भाष्य थे या कुछ भी था, वो था संस्कृत में। और आज भी कभी आप चौराहे नुक्कड़ पे किसी भी टॉपिक पे किसी को बात करते देखें, उसमें से अधिकतर लोगों को चीज़ के पूरी जानकारी नहीं होती है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है, उन्होंने दूसरे से सुना होता है, दूसरे से सुनकर दूसरे पे रौब झाड़ने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और ये हमेशा से चला आ रहा है। क्या लिखा हमारे वेदों में, क्या लिखा है उसमें, सत्यता क्या है, बाद में उसमें कहाँ विकृतियाँ उत्पन्न हुई, ये जानने की किसी के पास में फुर्सत नहीं थी। वेद को अगर किसी ने बता दिया कि नहीं इसमें तो इतना ये है तो ये बुरा है, तो वो एकेश्वरवाद है तो वो बहुत अच्छा है, तो लोग मान लेते हैं, जड़ तक जाना नहीं चाहते और मानते। उनके पास भाई दूसरा रास्ता नहीं था, हिंदी में थी नहीं किताबें, अपनी भाषा में बहुत कुछ लिखा नहीं गया था, तो लोगों को ज्ञान कहाँ से होता, और ज्ञान नहीं होता था तो लोग उस चीज़ को अपने हिसाब से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, मैं एक पैसेज लिखा जाए, एक पैसेज का 10 लोगों को दे दिया जाए, 10 लोग अपनी अपनी सुविधा, अपने अपने मत और अपने अपने बुद्धि के हिसाब से उसका अलग अलग व्याख्या कर देंगे। वेद पुराण तो बहुत बड़ी चीज़, तो दयानंद सरस्वती ने उनको हिंदी में कराया ताकि जनता सच समझे तो सत्य को। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य ना होने से और मुसलमानों में के बहुत अधिक संपर्क वाले पंजाब वालों की पढ़ने लिखने की भाषा जो थी वो उर्दू हो रही थी। आज पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, वो इन्हीं की बदौलत है, समझ रहे हैं आप। और मैं यहाँ किसी भाषा के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ रही हूँ इसलिए, तो अगर किसी की भावनाओं को आहत हुई हूँ, किसी को कुछ बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। संवत 1920 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान श्रद्धाराम फुल्लौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणवीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे, है ना। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी तुरंत
संवत 1920 में कपूरथले पहुँचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके, आप समझ रहे हैं, जब आप किसी जानकार से बात करते हैं तभी आपके संशयों का समाधान हो सकता है। आपस में कर जिन जो सब आप जैसे हैं उनसे तर्क कुतर्क करने का कोई मतलब नहीं है। प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। पंजाब में सब छोटे बड़े स्थानों पर घूमकर पंडित श्रद्धा राम जी ने उपदेश और वार्तिकताएँ देते तथा रामायण महाभारत आदि की कथा सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगती थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेश तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। मतलब वेद पाठ का जो भी वेद शास्त्र का यथार्थ है, वास्तविकता है, सत्य है, वही वो सबके सामने रखते थे। ये नहीं है कि उसमें कुछ अगर उन्हें सत्य सही नहीं लग रहा है तो वो लोगों से उसको छुपा लें, ना। उन्होंने उस अभिप्राय को, उसके किसी उद्देश्य को कभी छुपाया नहीं, उसको वो गलत समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध भी वे बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत सी बातें कह और लिख जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंधविश्वासी तो हर समय हर जगह होते ही होते हैं, और जब भी कोई बात उनके विरोध में जाती है वो सत्य नहीं देखना चाहते हैं। और वही लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हर चीज़ का गलत निरूपण किया गया। वो ही अपने हिसाब से चीज़ों को गलत तरीके से सबके सामने रखते रहे, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ था। कुछ लोग इन्हें नास्तिक कह देते थे, पर जब वे जीवित रहे सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते रहे। पंडित श्रद्धा राम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा का प्रचार बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी, जिसे संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र जो लिखा था वो जो कहीं हो गया। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा था, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्ध हस्त लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई थी। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला था कि भारत में भाषा के दो लेखक हैं, एक काशी में और दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। राजा शिव प्रसाद आम फहम खास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली। मतलब शिव प्रसाद सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में उनका झुकाव आपने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि उर्दू की तरफ कुछ हो चला था। वो अपना काम करते रहे, लेकिन हिंदी ने क्या किया, धीरे धीरे अपना रूप स्थिर कर लिया। इस बात से धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुँचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावता जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह से दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत
पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा। तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पढ़कर कब तक रुका रहता? सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देसी भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी? उसकी सगी बहन होकर एक अजनबी के रूप में उसके साथ कैसे चल सकती थी? जबकि यूनानी और लैटिन शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देसी भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं। तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल की साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र में चली आती है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य को उसी भाषा की में लैटिन के शब्दों में भरकर पेश करते थे। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के ही कुटुंब की हैं, उसी के प्राकृत रूपों से निकली हैं। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं की साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा की साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली हैं। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, अभी पूछी नहीं गई है संभवतः, लेकिन पूछी जा सकती है कि देश भाषा की साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य से कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली। विचार और वाणी की इस धारा में हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे रख सकती थी? राजा लक्ष्मण सिंह के समय में हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल पर उसे सुव्यवस्थित और परमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता, और ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। ठीक है, यहाँ से हमारा शुरू होता है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन का प्रथम उत्थान, संभव 1925 से लेकर 1950 की बात यहाँ पर होगी। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान काल, संभव 1925 से 1950, प्रकरण एक। ठीक है, प्रथम उत्थान है, प्रकरण एक है, गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय। प्रकरण एक में ज्यादातर सामान्य परिचय दिया रहता है, कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न, ध्यान रखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर, स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर। उनके भाषा संस्कार की महत्वता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है और वे वर्तमान दिल्ली हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। आप सबको पता होगी ये बात। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताओपन के लिए थी। लल्लू लाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वी पन था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित नहीं था, वाक्य विन्यास तक जा घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल के का कुछ पुट उसमें आगरा की बोलचाल का पुट उसमें कम ना था। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ
उसके भाव और विचार को भी बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। और जब तक प्रयत्न नहीं हुआ था तो लोगों ने समझा था कि हिंदी में वो क्षमता ही नहीं है कि साहित्य निर्माण इसमें हो। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिसमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ा रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए हैं। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य का की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था कि ऐसा हो सकता है ना, प्रस्ताव के रूप में उन्होंने पेश किया था। जब भारतेंदु ने अपनी मंझी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाई, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्राकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न नहीं रह गया कि भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा का स्वरूप क्या होगा। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। चलिए, हमने भाषा का स्वरूप स्थिर कर दिया है, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कुछ बीच में मैं अपनी बातें बोल देती हूँ, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए, कई बार हो जाता है। कोशिश करूँगी आगे से ऐसा ना हो। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रही बात शोर की, तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कि जल्दी इसका निवारण कर सकूँ। वास्तविकता ये है कि अभी मैं इसमें सक्षम नहीं हो पा रही हूँ। चलिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपके साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।